कांग्रेस आगुआ नू राष्ट्रपति भवन वल मार्च करन तो रोकया गया, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ते होर कई आगुआ नू मनाही हुक्मां दी उलंघना कारण हिरासत विच लै लिया गया। उन्हां नू अद्धे घंटे बाद रिहा कर दिता गया। इस तों बाद प्रियंका ने कहा कि सरकार लोकां दी आवाज सुन नहीं रही सगों दबा रही है। राष्ट्रपति भवन वल मार्च करन तो रोकण तों बाद आगुआ ने AICC हैडक्वार्टर दे बाहर धरना प्रदर्शन कीता। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार 5 सालों के लिए 6 सालों 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। सर मेरा आखिरी सवाल है, ये पहली बार नहीं है और प्रेसिडेंट से पहले भी अपोजिशन पार्टी ले चुकी है, ये दूसरी बार है, कोई ना कोई हल निकलेगा, आपको क्या लगता है? हाउ होपफुल यू आर? ये हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।